कैसे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने बनाई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मुस्कान पर आज पूरा हिंदुस्तान फिदा है। गूगल द्वारा इस अभिनेत्री को दिया जा चुका है नेशनल क्रश का खिताब। जल्द ही बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आने वाली है साउथ इंडियन फिल्मों की ये फेमस एक्ट्रेस। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रश्मिका मंदाना की, जो साल 2021 के अंत में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा में आखिरी बार नजर आई थी। फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका की जोड़ी को काफी सराहा गया। दर्शकों को उनका श्रीवल्ली का कैरेक्टर काफी पसंद आया, लेकिन यहाँ तक का सफर रश्मिका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। रश्मिका का पूरा नाम रश्मिका मंदाना है। उनका जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोदागु जिले में हुआ। उनके पिता का नाम मदन मंदाना है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है, और उनकी मम्मी का नाम सुमन मंदाना, जो एक हाउसवाइफ है। माता पिता के अलावा रश्मिका के घर में उनकी छोटी बहन भी साथ रहती है, जिसका नाम शिमन मंदाना है। रश्मिका को बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का काफी शौक था, और वो अक्सर कहा करती थी कि बड़ी होकर वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। लेकिन अपने एक्टिंग के शौक को रश्मिका ने कभी अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। रश्मिका पढ़ाई में भी काफी तेज और होशियार थी। कुर्ग पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रश्मिका ने रामिया कॉलेज से लिटरेचर, जर्नलिज्म एंड साइकोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अपनी पढ़ाई के दौरान साल 2014 में रश्मिका ने क्लीन एंड क्लियर टाइम्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया, और इस प्रतियोगिता में वो पहले स्थान पर रही। इसके बाद रश्मिका को क्लीन एंड क्लियर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब रश्मिका पर फिल्म मेकर्स की नजर पड़ने लगी। रश्मिका ने एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया और उसमें भी जीत हासिल की। इस कॉन्टेस्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इसके बाद कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका को एक फिल्म के लिए अप्रोच किया। शेट्टी को अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। रश्मिका अब तक कई एड्स के लिए मॉडलिंग कर चुकी थी। उन्होंने ऋषभ शेट्टी का ऑफर स्वीकार कर लिया। साल 2016 में रश्मिका की फिल्म किरिक पार्टी रिलीज हुई। ये फिल्म सिर्फ 4 करोड़ में बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 50 करोड़ रुपयों की कमाई की। कर्नाटक के कई सिनेमा हॉल्स में ये फिल्म 5 महीनों तक लगी रही। इस फिल्म के हिट होने के बाद रश्मिका को कई और फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। साल 2017 में ही वो चमक और अंजनी पुत्र जैसी कन्नड़ फिल्मों में नजर आई। रश्मिका की एक्टिंग से ज्यादा उनके स्माइल को लोगों ने पसंद किया और उन्हें स्माइलिंग क्वीन कहा जाने लगा। इसके बाद साल 2017 में रश्मिका को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आया। फिल्म चलो के जरिए उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। रश्मिका ये फिल्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए अलग अलग भाषाओं और जेनर की फिल्म ट्राई करनी पड़ेगी। इस फिल्म में वो नाग शौर्य के साथ नजर आई, और रश्मिका ने बताया कि तेलुगु बोलने में नाग शौर्य ने उनकी काफी मदद की थी। दोस्तों, रश्मिका के करियर को उड़ान साल 2018 में मिली, जब वो विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म गीता गोविंदम में नजर आई। 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ की कमाई कर सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद विजय के साथ ही उनकी एक फिल्म डियर कॉमरेड भी रिलीज हुई। ये फिल्म बड़े पर्दे पर तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन बाद में इसका हिंदी डब्ड वर्जन YouTube पर रिलीज किया गया, जहां 200 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ये फिल्म देखी और सभी ने फिल्म की काफी तारीफ भी की। साल 2020 में रश्मिका साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी बॉय महेश बाबू के साथ फिल्म शारी लेरू निक्की वेरी में नजर आई, जो उनके करियर की एक और बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद रश्मिका को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर्स आने शुरू हो गए। साल 2020 में ही रश्मिका को गूगल ने नेशनल क्रश का टाइटल दिया, जिसके बाद वो लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन बन कर गई, और आज भी उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। इंस्टाग्राम पर रश्मिका के लगभग 33 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रश्मिका जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट फिल्म मिशन मजनू में नजर आने वाली है। इसके अलावा फिल्म गुडबाय में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगी, और फिल्म एनिमल में वो रणबीर कपूर के ऑपोजिट लीड रोल में नजर आएंगी। इन सभी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही है। खबरों की माने तो शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद रश्मिका मंदाना ही थी, लेकिन रश्मिका ने डेट्स न होने के चलते फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। बादशाह के एक एल्बम सॉन्ग में भी रश्मिका नजर आ चुकी है। रश्मिका की जल्द ही फिल्म सीता रमन रिलीज होने वाली है। ये वैसे तो साउथ इंडिया की फिल्म है, लेकिन अब इसका डब वर्जन हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है। साल 2021 में फॉर्ब्स ने रश्मिका को सोशल मीडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स की सूची में भी शामिल किया था। रश्मिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, और अक्सर अपनी फोटोज वो फैंस के साथ शेयर करती रहती है। कई बार तो उनकी फोटोज बहुत ज्यादा वायरल भी हो जाती है। अपनी तस्वीरों से यूजर्स के दिलों का तापमान बढ़ाने में रश्मिका कोई कसर नहीं छोड़ती। रश्मिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2017 में
रहे अभिनेता रक्षित शेट्टी के साथ उन्होंने सगाई की थी। रश्मिका और रक्षित फिल्म क्रिटिक पार्टी के दौरान करीब आए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों ने सगाई तोड़ने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। बताया जाता है कि उस समय रश्मिका का करियर लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था और वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शादी के बाद एक्ट्रेसेस की लोकप्रियता कम हो जाती है और इस कारण रश्मिका ने सगाई तोड़ने का फैसला किया। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। फिल्म मेकर चिरंजीव मकवाना को भी रश्मिका डेट कर चुकी है। प्रभास से लेकर विजय देवकोंडा तक तमाम फिल्मी सितारों के साथ रश्मिका मंदाना का नाम जोड़ा जा चुका है, लेकिन रश्मिका ने कभी इन सब बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उनका कहना है कि जब भी आप सफल होते हैं तो लोग आपके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। रश्मिका के चेहरे पर हर वक्त एक क्यूट स्माइल नजर आती है। एक इंटरव्यू के दौरान रश्मिका से उनके स्माइल का राज पूछा गया था। रश्मिका ने बताया था कि हर वक्त हंसते रहने से उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हंसना इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। रश्मिका को घूमना फिरना, स्विमिंग करना, डांस करना और नई नई चीजें ट्राई करना भी काफी पसंद है। वो एक एनिमल लवर भी है। नारुतो, सकुरा और ब्लीच उनके पसंदीदा एनिमे प्रोग्राम है। रश्मिका का कहना है कि उन्हें काफी बुरा लगता है जब लोग एनिमे और कार्टून को एक ही बताते हैं। रश्मिका की पसंदीदा एक्ट्रेस एमा वॉटसन है। वहीं बॉलीवुड में रश्मिका श्रीदेवी को अपना आदर्श मानती है। मेल एक्टर्स में रश्मिका को शाहरुख खान, विजय थलापति, रणवीर सिंह और रजनीकांत जैसे स्टार्स पसंद है। रश्मिका शकीरा और जस्टिन बीबर की भी फैन है और बीटीएस म्यूजिक भी उन्हें काफी पसंद है। रश्मिका कई एनजीओ और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है, जिसके जरिए वो समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। एक बार रश्मिका मंदाना के घर रेड भी पड़ चुकी है। उनके ऊपर टैक्स चोरी के आरोप लगे थे, लेकिन किसी भी तरह के आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुए। रश्मिका खुद को फिट रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज और योगा करती है। सोशल मीडिया पर रश्मिका के क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। आज उनकी एक मुस्कान पर लाखों युवा मर मिटते हैं। रश्मिका मंदाना की गिनती इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में की जाती है। खबर है कि फिल्म पुष्पा द रूल के लिए रश्मिका 5 करोड़ रुपए मोटी फीस चार्ज करने वाली है। ये फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है। हम आशा करते हैं कि रश्मिका मंदाना ऐसे ही अपनी लाइफ में करियर की नई ऊंचाइयों को छूती रहे और अपनी मुस्कान और फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करती रहे। तो दोस्तों, ये थी रश्मिका मंदाना के बारे में पूरी जानकारी। रश्मिका मंदाना आगे भी अपने करियर को खूब तरक्की करे और अपनी अदाओं से लोगों के दिलों पर राज करती रहे, यही दुआ है। अगर आप भी रश्मिका मंदाना के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको रश्मिका मंदाना का कौन सा फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।